मॉर्निंग क्लास टाइम आज हम लोग करेंगे अपने सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसके लिए आप ओपन कीजिएगा पेज 75, ठीक है। यूनिट 2 सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 ओपन कीजिएगा तो यहाँ आपको ओपन मिलेगा पहला सेल्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, a device used to connect this similar network is known as a the and a public the। अब क्या पूछ रहा है ये कि एक वो डिवाइस जिससे हम लोग दिस सिमिलर नेटवर्क यानी अलग तरह के नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है हम लोग का, ए इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, गेटवे, प्रोटोकॉल। अब देखिए इंटरनेट होता नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क हमारा नेटवर्क है, प्रोटोकॉल हमारा रूल्स है। ये हम लोग का करेक्ट आंसर कहूंगा गेटवे। गेटवे याद होगा वो डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस जिससे हम लोग डिफरेंट डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। इसका आंसर आप कीजिएगा सी गेटवे, ठीक है। सेकेंड इसमें आते हम लोग, LAN इज अ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स, ठीक है। अदर्स मीन्स यहाँ पे अदर कंप्यूटर्स और अदर यूजर, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा ये मशीन या डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है, मशीन हमारा रिस्पॉन्सिबल है दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करें। पहला हम लोग का क्या है, ए क्लाइंट, बी नेटवर्क, सी गेटवे एंड डी सर्वर। हम लोग का क्या है, क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट करता है, नेटवर्क हमारा कंप्यूटर का कनेक्शन हुआ, गेटवे हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है ये क्या करेगा दो जिसमें नेटवर्क कनेक्ट करेगा, सर्वर हमारा वो मशीन है जो हमारे यूजर्स के रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है उसको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकेंड का आंसर कीजिएगा डी सर्वर, ठीक है। थर्ड, विच इंटरनेट एक्सेस अलाउज यू टू यूज द इंटरनेट एंड टेलीफोन लाइन साइमल्टेनियसली, ठीक है। कौन से इंटरनेट एक्सेस, टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको फैसिलिटी देता है कि इंटरनेट और टेलीफोन लाइन्स दोनों साइमल्टेनियसली यूज कीजिए साथ साथ। तो हम लोग का पहला ऑप्शन है ए ब्रॉडबैंड, बी डायलअप, सी वाईफाई एंड डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का याद होगा ब्रॉडबैंड में हम लोग क्या करते थे, डायलअप में क्या है सिर्फ आप एट ए टाइम हमारा क्या होगा इंटरनेट यूज होगा या आपका टेलीफोन कॉल्स होगा, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड हमको फैसिलिटी देता है जिसमें हम लोग दोनों यूज कर सकते, ठीक है। दिस इज ब्रॉडबैंड, इसका आंसर कीजिएगा ए ब्रॉडबैंड, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं हम लोग, LAN इज अ कंप्यूटर नेटवर्क मेड ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर LANs विद इन अ लिमिटेड एरिया। एक लिमिटेड एरिया में दो और दो से ज्यादा LAN का जब कनेक्ट करते हैं तो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, याद होगा हमको पैन पर्सनल नेटवर्क पे है, ऑप्शन बी कैन, डी सी मैन एंड डी फैन। हम लोग का सी कैंपस एरिया नेटवर्क हम लोग पढ़े थे, दो लोकल नेटवर्क का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो आप आंसर कीजिएगा फोर का बी कैन। फिफ्थ पे आते हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज हैज ईच डिवाइस कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस वन ऑन ईदर साइड। आपको याद होगा कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग एक का एक सिस्टम दो सिस्टम से कनेक्ट होता है, ठीक है। ए स्टार, ठीक है, बी मेश, सी रिंग, डी बस। अगर हम लोग उसको ड्रॉ करें स्टार कैसे होता था, इस टाइप से होता था हमारा, ठीक है, ये हमारा स्टार हो गया। उसके बाद बी देखेंगे मेश, मेश में क्या होता था सब सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है, ये से कनेक्टेड, ये से कनेक्टेड, ठीक है, ये नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग का सब सिस्टम क्या होता था कि एक दूसरे से कनेक्टेड होता था। और उसके बाद इसको आप देख लीजिए आईडी, ठीक है, आप देखेंगे ये क्या है सिस्टम इससे कनेक्टेड, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड एंड सो ऑन, हम लोग का इस टाइप से कनेक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो रहा है कि था मैश टेक्नोलॉजी। लिंक में हम लोग देखे थे लिंक टोपोलॉजी कैसे होता था, लाइक दिस अ क्लोज लूप, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे देन हमारा डी बस, बस में क्या था हम लोग का एक सिंगल लाइन था उससे हमारा सारा सिस्टम यू कनेक्टेड, ठीक है। तो अब देखें इसमें दो से कम हमारा सिस्टम कनेक्ट है। लिंक पे अगर हम लोग आते हैं यहां देखिए एक सिस्टम अगर हम इसको ए कंसिडर करें बी सी, ए देखिए हमारा बी डी दो सिस्टम से कनेक्टेड है, सी हमारा बी डी दो से कनेक्टेड है,
बी हमारा एसी दोनों से कनेक्टेड है, डी हमारा एसी दो सिस्टम से कनेक्टेड है। तो रिंग में हम लोग क्या होगा, रिंग में हम लोग का क्या होगा, एक सिस्टम दो से कनेक्टेड, दो सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। इसका आंसर करेंगे हम लोग सी, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा हम लोग का सी, रिंग टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में हम लोग आते हैं आंसर द फॉलोइंग, बी बी में हम लोग आते हैं कैटेगरी में आंसर द फॉलोइंग। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग का है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया हुआ है उसको हमको डिफाइन करना। पहला टर्म क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस, ठीक है, वेयर ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्सेज अमंग ईच अदर। जहाँ हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ, मल्टीपल कंप्यूटर्स का, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का ऐसा कनेक्शन जिसमें हम लोग का एक हर डिवाइस का, हर कंप्यूटर क्या कर सकता है, दूसरे कंप्यूटर से डेटा कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है, रिसोर्स सॉरी शेयर कर सकता है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी सेकंड भी हम लोग आते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोगों का सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रहता है, ये हम लोग देखें, ठीक है, ये क्या टोपोलॉजी है, देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप से कनेक्शन है, यहाँ डिफरेंट टाइप से कनेक्शन है, यहाँ डिफरेंट टाइप से कनेक्शन है, यहाँ डिफरेंट टाइप से कनेक्शन है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी इज द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क पे डिफरेंट कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट यानी कनेक्शन को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सी आते हैं गेटवे, अब गेटवे इज अ स्पेशल नेटवर्क डिवाइस, ये क्या है, नेटवर्क डिवाइस है used to connect dissimilar network, ये क्या करता है, दो dissimilar network को, अलग तरह के network को connect करने में काम आता है, ठीक है। ये था हम लोग का define the following first question, second पे हम लोग का है list the advantages using computer network। अब computer network को use करने के advantages को list करना, explain नहीं करना, हम लोग का question क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, explain, ठीक है, briefly explain लिस्ट, ठीक है, या नोट्स, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के जो यूज करने का एडवांटेज को लिस्ट कर, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर लो। तो हम लोग जाने से कौन कौन सा है, ईज ऑफ एक्सेस, वर्क फ्रॉम होम, शेयरिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शेयरिंग प्रोग्राम, ईज एप एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब क्या था, हम लोग का कॉमन क्वेश्चन लोग जाने थे इसको, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े थे, एक कंप्यूटर का नेटवर्क ही फॉर्म करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर है, मॉडर्न है, ये सब सब दस तो रखते नहीं, दस सिस्टम तो दस रखते नहीं, दस सिस्टम भी होगा तो हम लोग एक ही प्रिंटर से काम चलता है हम लोग का, ठीक है, एक ही मॉडल से काम होता है। तो ये हम लोग का क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने के कुछ एडवांटेज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है differentiate between packet switching and message switching, ठीक है, packet switching and message switching में क्या difference, तो difference क्या है कि दोनों हम लोग का message transfer के लिए use होता है, ठीक है, दोनों message transfer के लिए होता है, लेकिन packet switching में हम लोग अपने data को small packets में divide करते हैं, packet switching fragment data in packet of fixed, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं कि अपने data को अपने message को छोटे छोटे fixed length के इसमें डिवाइड करते हैं एंड देन वो हमको वन बाय वन सेंड करते हैं, ठीक है। वेयर एज इन मैसेज स्विचिंग द मैसेज कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इसमें हम लोग का मैसेज क्या होता है, लेंथ कोई फिक्स नहीं होता, जितना बड़ा होगा, छोटा हो, बड़ा हो, सब लेंथ का हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एट अ टाइम नेक्स्ट हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी का हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, ये हम लोग जाने थे कि नेटवर्क में क्या होता है, जो कंप्यूटर्स है उसका अरेंजमेंट है, कनेक्शन है। इट रेफर्स टू द वे इन विच द नोड्स और कंप्यूटर और अदर डिवाइस, नोड्स दैट इज कंप्यूटर और अदर डिवाइस ऑफ नेटवर्क आर लिंक्ड और कनेक्टेड फॉर कम्युनिकेशन, एक दूसरे से किस तरह लिंक किया जाता है। इट डिटरमाइंस द डेटा पाथ विच मे बी यूज्ड बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क, में हमारा जो है उसका पाथ कैसे होगा, जैसे अगर हम लोग इस टाइप के टोपोलॉजी देखते हैं, इसको फिगर को देना जरूरी नहीं है, टाइम्स देना जरूरी है, शॉर्ट नोट है तो हम लोग यहाँ पे ही हम लोग का इनफ है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, बेटर कम्युनिकेशन के पाथ को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे तो जब तक ये सिस्टम ये क्या क्लोज्ड है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, याद है ठीक है। यहाँ हम लोग का फास्ट होता है, वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, हर सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, सो ऑन। तो ये हम लोग का क्या है, शॉर्ट मोड। ये हम लोग का नेटवर्क में एक दूसरे के सारे सिस्टम का अरेंजमेंट को बताता है, क्या नेटवर्क टोपोलॉजी, वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। जिसको हम लोग फिगर देने की जरूरत नहीं है, टैग्स भी देने की जरूरत नहीं है, ये हमारा शॉर्ट कट है, यहाँ तक हमारा इनफ होता है। ये था हमारा सेल्फ असेसमेंट। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।